इन वैल्यू चार्ट में जो आज हम तुम्हें ट्रिक बताने जा रहे हैं, यह ट्रिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस ट्रिक के मेथड से बहुत ही कम समय में इन सारे वैल्यू चार्ट को फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। देखो, इस डिग्री वैल्यूज़ की स्टार्ट मैंने कहाँ से की है, जीरो से स्टार्ट की है, 0, 30, 45, 60, 90। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, जीरो से स्टार्टिंग हुई है ना, तो अपनी गिनती जो है ना हम जीरो से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिसको जीरो लिया, अगला 1, 2, 3, 4। कितना सिंपल है कि जीरो से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए अपनी काउंटिंग हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4। ओके, अब इन सबको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। देखो, सबको 4 से डिवाइड करना है, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है और आसानी से यह याद भी रहेगा और तुम, मुझे उम्मीद है कि भूलोगे नहीं तुम। और अब क्या करना है, इन सब पर रूट डाल देना है, इन सब पर क्या करना है, रूट डाल देना है, स्क्वायर रूट। ठीक है, कितना सिंपल सा ये टेक्निक है। और इस वैल्यू को फाइंड करना कि इसकी क्या वैल्यू आएगी, तो हम तो जानते हैं कि अगर जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करें तो रिजल्ट जीरो ही होगा। इसका मतलब ये रूट अंडर जीरो होगा और जीरो का रूट जीरो ही रहता है। ओके, अब 1/4 की रूट की बात करें तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 होगा, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2। ये वैल्यू निकल का आया 1/2। ओके, यहाँ देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, एट फर्स्ट इसे 2 से कैंसिल कर देते हैं। अब ये हो गया 1/2 का रूट, 1 का रूट तो 1 हो जाएगा, लेकिन 2 का रूट आएगा क्या, नहीं आएगा, तो ये रूट 2 रह जाएगा। ओके, अब यहाँ देखो ये 3 का रूट क्या होगा, तो ये कम्प्लीटली नहीं निकलेगा बाहर, तो रूट 3 रहेगा, और 4 का रूट क्या होगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ तुम देखो गौर से, 4 और 4 1 टाइम्स में कैंसिल होंगे, और यहाँ 1 का रूट अगर निकालोगे तो क्या होगा, तो 1 ही होगा। तो अब तुम देखो यहाँ जो मुझे वैल्यू आई है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1, ये सारे के सारे वैल्यू हमारे साइन के हैं। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो आराम से इसे लिख दो 0 डिग्री। ठीक है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, इसको 1/2 लिख दो। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो यहाँ 1/√2 लिख देते हैं। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो यहाँ √3/2 लिख देते हैं। और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 लिख देते हैं। कितना सिंपल से हम साइन की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है कि इन साइन की वैल्यूज़ को जो है ना इस तरह से घुमा देना है। ठीक है, इसको उल्टा कर देना है, रेसिप्रोकल नहीं, इसे उल्टा करना है। तो जो वैल्यू यहाँ आएगी ना, वो वैल्यू यहाँ चली आएगी। देखो 1 यहाँ आ जाएगा, √3/2 यहाँ आ जाएगा, 1/√2 यहाँ दे देना मुझे, 1/2 वहाँ हो जाएगा, और 0 यहाँ आ जाएगा। कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ अगर एक मिरर रख देंगे तो क्या होगा, तो ये मुझे पहला इमेज बनेगा, ये मुझे सेकंड इमेज बनेगा, ये मेरा थर्ड इमेज होगा। तो उसी हिसाब से ये इमेज को मैंने रखा है, तो देख सकते हो कि साइन की इस वैल्यू को एज ए मिरर कर दिए हमने, और यहाँ पर क्या हो गया, इस तरह की वैल्यू आ गई कॉस की। तो बहुत ही आसानी से साइन अगर फाइंड हो जाता है, और इसे फाइंड करना बहुत ही आसान है इस ट्रिक के मेथड से, और अगर साइन की वैल्यू हमको निकल गई ना, तो कॉस भी बहुत आसानी से फाइंड हो जाता है। ओके, अब मैं बात करूं टेन की। तुम्हें याद होगा मैंने पढ़ाया था तुम्हें कि टेन थीटा की जो वैल्यू बताई थी ना, वो थी साइन थीटा बाय कॉस थीटा। बताया था ना कि साइन थीटा और कॉस थीटा इन दोनों को डिवाइड करने से आता है मुझे टेन थीटा। ओके, तो टेन थीटा फाइंड करने के लिए मुझे करना क्या है कि साइन की जो वैल्यू है ना, इसको कॉस से डिवाइड करते हुए जाना है। और जैसे ही डिवाइड करूंगा, और जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना, वो 10 का रिजल्ट आएगा। तो 0 को 1 से डिवाइड करते हैं, क्या रिजल्ट आएगा भाई, तो 0 को किसी से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट 0 ही होता है। अब 1/2 को अगर √3/2 से हम डिवाइड करेंगे, जैसे ये समझ लो ये डिवीजन का लाइन है, तो क्या होगा, ये दोनों का जो डिनोमिनेटर 2 है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/√3। इसका मतलब इसकी वैल्यू 1/√3 हो जाएगी। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, देखो ये दोनों सेम है, बिल्कुल एक इक्वल है दोनों। तो दो इक्वल को अगर जब भी डिवाइड करो ना, जैसे ए बाय ए वैल्यू क्या होगा, 1, 2/2 वैल्यू होगा 1, उसी तरह से 1/√2 / 1/√2 रिजल्ट होगा 1। तो 10/45 की वैल्यू निकल गई 1। अब इन दोनों को डिवाइड करता हूँ तो 2/2 कैंसिल होगा, बचेगा √3/1 यानी कि √3, ये होगा तुम्हारा 10/60 का वैल्यू। और 90 की बात करो, 1 को 0 से डिवाइड करना है, तो किसी भी नंबर, दुनिया के किसी भी नंबर को ना अगर 0 से डिवाइड करते हैं, तो ये अनडिफाइंड टर्म होता है। क्या होता है, अनडिफाइंड, इसकी कोई वैल्यू नहीं आती, तो लोग इसको अनडिफाइंड टर्म के लिए इन्फिनिटी का यूज़ कर देते हैं। तो यहाँ हम लोग इन्फिनिटी को यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ द अनडिफाइंड। ओके,
अब कॉर्ड की बात करते हैं तो ट्रेन का मिरर कर देते हैं, जैसे अगर यहाँ मिरर रखेंगे तो क्या होगा, पहला इमेज ये बनेगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा, फोर्थ ये और फिफ्थ ये। तो उसी हिसाब से देखो, फर्स्ट क्या होगा इन्फिनिटी, सेकंड क्या होगा रूट थ्री, थर्ड क्या होगा वन, उसके बाद वन बाय रूट थ्री एंड द फाइनल योर जीरो। तो ये मुझे कॉर्ड की वैल्यू आ गई। बहुत ही आसानी से हमने ट्रेन और कॉर्ड की वैल्यू भी फाइंड कर लिया है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ सेक की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था कि सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है वन बाय कॉस थीटा, दैट मीन्स सेक जो होता है ना वो कॉस का क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस की जो वैल्यू आई है ना उसे हम रेसिप्रोकल कर देते हैं और हमें फाइंड हो जाएगा सेक की वैल्यू। तो कैसे, तो देखो कॉस की वैल्यू क्या है, वन, वन को एज ए फ्रैक्शन हम क्या लिख सकते हैं वन बाय वन, और उसका अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो भी वन बाय वन, दैट मीन्स वन का रेसिप्रोकल वन ही होता है। तो सेक जीरो की वैल्यू कॉस जीरो का रेसिप्रोकल यानी कि वन हुआ। अब सेक थर्टी की वैल्यू की बात करूं मैं तो कॉस जो थर्टी की वैल्यू है ना इसको रेसिप्रोकल कर देना है, ये रूट थ्री बाय टू है तो क्या करना होगा मुझे टू बाय रूट थ्री कर देना, क्या करना मुझे टू बाय रूट थ्री। अब अगर मुझे सेक 45 की वैल्यू निकालनी है ना तो कॉस 45 की जो वैल्यू है ना उसका रेसिप्रोकल कर देना है मुझे, तो 1 बाय रूट टू का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा रूट टू बाय वन, दैट मीन्स रूट टू। अब मैं अगर बात करूँ अपने सेक 60 की वैल्यू ना तो सेक 60 की वैल्यू के लिए क्या करना है कॉस 60 की जो वैल्यू है ना उसको रेसिप्रोकल कर देना है, तो 1 बाय टू का रेसिप्रोकल क्या होगा टू बाय वन, दैट मीन्स टू। और अब फाइनली सेक 90 की वैल्यू की बात करूँ ना तो कॉस 90 की जो वैल्यू इसका रेसिप्रोकल तो 0 बाय 1 है यह और इसका रेसिप्रोकल 1 बाय 0। अभी मैंने बताया किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करो तो जो रिजल्ट होता है वो अनडिफाइंड होता है, दैट मीन्स ये क्या होगा ये हो जाएगा तुमको अनडिफाइंड, 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड होता है। और कॉसेक की वैल्यू, वैसे तो कॉसेक की वैल्यू हम सेक को मिरर करके भी फाइंड करेंगे, लेकिन अगर हम वैसे भी फाइंड करना है अगर साइन की वैल्यू याद है तो मुझे क्या करना है जो अपना कॉसेक है ना कॉसेक होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन को अगर रेसिप्रोकल कर देना तो भी कॉसेक हम फाइंड कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है वहाँ, यहाँ फिलहाल हम तुमको सेक का मिरर करके बता रहे हैं कि सेक का अगर मिरर करेंगे तो फर्स्ट इमेज ये होगा, सेकेंड इमेज ये होगा, थर्ड इमेज ये होगा, और इसी हिसाब से हम अपने इमेजेस को रखते हैं। तो देखो इन्फिनिटी हो गया, उसके बाद ये टू हो गया, ये रूट टू हो गया, टू बाय रूट थ्री हुआ और ये वन हो गया। तो ये हो गया ट्रिक की मेथड। वैसे भी अगर तुम साइन का रेसिप्रोकल करो तो जीरो का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड, वन बाय टू का रेसिप्रोकल टू, वन बाय रूट टू का रेसिप्रोकल रूट टू, रूट थ्री बाय टू का रेसिप्रोकल टू बाय रूट थ्री एंड वन का रेसिप्रोकल वन हुआ। ओके, तो इस प्रकार से ये हमारा हुआ वैल्यू चार्ट। उम्मीद कर रहा हूँ तुमने इस ट्रिक को आराम से समझा होगा और इस मेथड से इसको कभी भी फाइंड करना है। लेकिन स्टूडेंट ट्रिक हमेशा ट्रिक होता है, इस वैल्यूज़ को हमेशा मुझे याद रखना चाहिए, क्यों कि इन वैल्यूज़ की हमेशा मुझे ज़रूरत पड़ती रहेगी। जब जब हम ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे तो उस वक्त क्या होगी कि वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मुझे केवल एक वैल्यू की ज़रूरत पड़ी ना, सपोज अगर 10-30 की वैल्यू की ज़रूरत पड़ा मुझे, सपोज दैट ये मान लो कि मुझे 10-30 की वैल्यू चाहिए, तो क्या एक वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हम पूरा का पूरा चार्ट फाइंड करेंगे, ऐसी बात नहीं होगी। तो इसके लिए मुझे वैल्यू को सेपरेटली याद रखना भी है, ये ट्रिक हो गया। अगर तुम भूल जाते हो तो इससे तुम फाइंड करोगे, लेकिन इन वैल्यूज़ को याद भी कर लोगे। तो याद करना बहुत ही सिंपल है, केवल साइन की वैल्यू को अगर ढंग से तुमने याद कर लिया ना तो साइन की वैल्यू अगर तुम्हें याद हो गई तो ये सारे वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। तुम देख सकते हो मैंने केवल साइन का ही वैल्यू फाइंड किया था, तो साइन की वैल्यू के लिए ट्रिक को याद रखना बहुत ही आसान है। और अगर साइन की वैल्यू तुम्हें याद हो गई तो समझो सारे वैल्यू चार्ट फाइंड कर लोगे। अब जैसे कि साइन अगर मुझे 60 की वैल्यू चाहिए तो 60 का पोजीशन क्या है भाई, देखो 0 हुआ, उसके बाद 30 हुआ, 45 हुआ, 60, ये फोर्थ पोजीशन है यानी 3/4 का रूट, दैट मीन्स रूट 3/2। तो आराम से हमसे फाइंड कर सकते हैं साइन की वैल्यू। और साइन की वैल्यू आ गई ना तो कॉस की वैल्यू जो है इस हिसाब से मिरर के हिसाब से समझ लो। अगर साइन कॉस तुम्हें याद हो गया ना, मेनली साइन कॉस अगर याद हो गया ना, तुम किसी भी वैल्यू को कभी भी फाइंड कर सकते हो। 10 निकालने के लिए जैसे अगर मुझे सपोज दैट अगर मुझे 10-30 डिग्री की वैल्यू चाहिए ना, तो सीधी सी बात है कि साइन 30 डिग्री को कॉस 30 डिग्री से डिवाइड करना है, सीधी सी बात है। और साइन 30 की वैल्यू 1/2 है और कॉस 30 होती है रूट 3/2, तुम देख सकते हो। और ये तुम्हारा 2 और 2 आराम से कैंसिल होगा और ये 1 बाय
रूट थ्रू हो जाएगा। यानी कभी भी तुमको जो है ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर साइन कॉस की वैल्यू तुम्हें याद है, तुम आराम से किसी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो।